हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफिट पुष्पा। तो आज हम बात करेंगे चेस्ट फैट के बारे में। बहुत ही भाइयों का चेस्ट फैट बहुत ही आ चुका है, बढ़ चुका है। कुछ कुछ भाइयों के मैसेज आते हैं, हमारा चेस्ट फैट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, लटक चुका है, तो इसका सोल्यूशन बताइए। तो इसका ही सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं आपको बताऊँगा 3 एक्सरसाइज जिससे आपका चेस्ट फैट बहुत ही जल्द कम होगा। और मेन इंपॉर्टेंट आपको मैं डाइट भी वो बताऊँगा, सब कुछ बताऊंगा। सिर्फ वीडियो का एंड तक देखते रहना, आपको सब मिल जाएगा। आपका चेस्ट फैट 2 महीने में पूरा गायब हो जाएगा। ये देखो, मेरा भी पहले इतना चेस्ट फैट था, मैंने भी इतना कम किया है। आप सिर्फ 2 महीने में आपका भी कम होगा, वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना कुछ देर के हम वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, एक्सरसाइज के पहले मैं आपको 2 टिप ऐसे बता रहा हूँ जिससे आपका चेस्ट फैट कम होने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए 2 टिप्स कौन से हम जान लेते हैं। यह है कि आपको चेस्ट फैट आता कैसे है, जब बाहर का फास्ट फूड खाते हो, पिज़्ज़ा बर्गर या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स, उसकी वजह से आपका चेस्ट फैट बहुत ही बढ़ जाता है। चेस्ट फैट ही नहीं, आपका वेट बढ़ जाता है, फिर आपका चेस्ट फैट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और चेस्ट फैट बढ़ने के कारण हम जब टी शर्ट्स पहनते हैं कुछ इस तरीके से, वो चेस्ट फैट दिख जाता है। तो हमारे को बाहर जाने में कहीं तो ऐसा अजीब अजीब फील होता है, ऐसा अनकम्फर्टेबल फील होता है। मेरे को भी वैसे ही होता था जब मेरा इतना चेस्ट फैट था और मैं बाहर जाता था। मैं बहुत उस दिन से बहुत काम किया मेरे चेस्ट पर, और आज मेरी चेस्ट देखो ऐसे है, तो आपकी भी ऐसी हो जाएगी। तो दूसरी टिप आपको देने वाला हूँ, चेस्ट फैट कम करने के लिए डाइट और वर्कआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आपका अच्छा डाइट होगा उतनी जल्दी आपका चेस्ट फैट कम होगा। चेस्ट फैट नहीं, पूरे ही बॉडी का फैट कम होगा, और उसके साथ चेस्ट फैट भी बहुत जल्द कम होगा। फैट कम होके ऐसे मेरे जैसे मसल्स बनेंगे थोड़े थोड़े। मैं आपको डाइट और वर्कआउट बता देता हूँ। पहले हम बात करेंगे वर्कआउट के बारे में। तो हम पूरे 3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। इन 3 एक्सरसाइज का यूज़ करके आप बहुत ही जल्द आपका चेस्ट फैट कम कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं पहले एक्सरसाइज की। हमारे पहले एक्सरसाइज होने वाली है पुशअप। मुझे पता है आपको चेस्ट फैट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको पुशअप नहीं आते होंगे, लेकिन मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको पुशअप 1 हफ्ते में आ जाएंगे। और हमारे को ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम पुशअप परफेक्ट आना ये ज़रूरी नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताऊँगा हमारे को पुशअप कैसे मारने हैं चेस्ट फैट गायब करने के लिए। आपको मारने हैं पहले नी पे पुशअप। हमारे नी होते हैं ना, हमारे घुटने पर आपको पहले पुशअप्स मारने हैं। वन सेट में आपको पुशअप जाने चाहिए कम से कम 15 से 20। स्टार्टिंग में 10 गए, वो भी बहुत हो गए आपके लिए। और आप जब 10 से 15 दिन काम करोगे इस पुशअप रेगुलर करोगे, तब आपको पुशअप आ जाएंगे परफेक्ट। सेट मारने हैं आपको 4 और रिपीटेशंस मारने हैं। तो चलिए हम अभी बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। दूसरी एक्सरसाइज हमारी बहुत ही आसान होने वाली है और आपको सब लोगों की आती होगी। उस एक्सरसाइज का नाम है जंपिंग जैक्स। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि जंपिंग जैक्स से भी चेस्ट फैट कम होता है। तो इसका आंसर है यस, होता है चेस्ट फैट कम जंपिंग जैक्स करने से। हमारा सिर्फ चेस्ट का फैट कम नहीं होता, पूरे बॉडी का होता है। हमारे को पूरे बॉडी का फैट कम करना होगा, तब जाके आपका चेस्ट का फैट कम होगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ऐसी डाइट और ऐसे वर्कआउट जिससे आपका चेस्ट का फैट बहुत जल्दी कम होगा एज़ कम्पेयर टू आपके बॉडी का फैट। सेट करने आपको 4 और रिपीटेशन करने 15 से 20 रिपीटेशन करने आपको डेली। 1 मंथ के लिए आप करो, ट्राई करो। 2 मंथ का हमारा टारगेट है, 2 मंथ के लिए आप ट्राई करो, आपका चेस्ट फैट बहुत ही कम होगा। मेरा भी पहले चेस्ट फैट बहुत ज़्यादा था, फिर मैंने वेट ट्रेनिंग चालू की घर पर ही, फिर मेरे मसल्स भी बने और चेस्ट फैट भी कम हुआ। तो आप भी ऐसे ही करिए। तो चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ हमारी लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 3rd एक्सरसाइज कौन सी होने वाली है। थर्ड एक्सरसाइज का नाम है बर्फीज। हाँ दोस्तों, बर्फी से ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपकी कैलरी ज़्यादा बर्न होगे एज कम्पेयर टू जंपिंग जैक्स इन टू नी क्रंचेस। मैंने भी स्टार्टिंग को की थी बर्फीस बहुत ज़्यादा। मैं हर दिन 40 से 50 बर्फीस करता था। 2 मंथ का टारगेट था मेरा, 2 मंथ तक मैं 40 से 50 बर्फीस करता था। लेकिन अब नहीं करता, अब मैं सिर्फ पुशअप मारता हूँ, क्योंकि मेरा चेस्ट फैट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मतलब है, पर अभी इतना नहीं है चेस्ट फैट। हमारी डाइट सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है डाइट हमारे बॉडी को चेंज करने के लिए। तो चलिए मैं अभी डाइट के बारे में बात करने हैं। मैं आपको डाइट ऐसी और इतनी सिंपल डाइट बताऊंगा जिस जो आपके बजट में भी होगी, और बजट में नहीं काफ़ी बजट में होगी। मतलब उसका बजट दिन का बजट उसका कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 रुपये आपको दिन का लगेगा। इसलिए मैं आपको अभी डाइट बता ही देता हूँ। तो सुबह तो आपको खाली पेट वार्म वाटर पीना है, मतलब गर्म पानी 2 से 3 गिलास आपको डेली सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीना है। ये आपको लगभग करना है सुबह 6 बजे आप उठोगे, 6-7 बजे उस टाइम आपको 2 गिलास गर्म पानी पीना है। ब्रेकफास्ट आप जब 9 या 10 बजे ब्रेकफास्ट करोगे, ब्रेकफास्ट में लेना है आपको 2 एग्स व्हाइट 1 होल एक लेना है आपको, और उसके साथ आप कुछ भी खा सकते हो। ब्रेड 2 ब्रेड स्लाइस खा लो, नहीं तो एक चपाती खा लो आप।
जो रोटी हमारे घर में बेसिकली बनी होती है सभी घर में, वो एक चपाती खा लो। अगर आप और उसके बाद आप जब 9 से 10 बजे ब्रेकफास्ट करोगे, और उसके आप एक फ्रूट कोई भी खा लेना, सीजनेबल फ्रूट खा लेना, आम बीम कोई भी फ्रूट चलेगा आप खा लेना। उसके बाद बात करते हैं हम लंच की। लंच में आपको बहुत ही सिंपल ही बताऊंगा, बहुत सिंपल लंच बताऊंगा। उसमें प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होंगे। तो लंच में पहले तो आपको सैलेड लेना है, एक से दो काकड़ी लेने हैं, कुकुम्बर एक से दो लेने हैं, एक 100 ग्राम दही लेनी है। दही दुकान में आपको 10 रुपये में सिर्फ मिल जाएगी। अगर आप आपका 2 चपाती से पेट नहीं भरता, यानी कि 2 रोटी से पेट नहीं भरता, तो आप क्या करो, ज्वारी की रोटी होती है, ज्वारी की रोटी, ज्वारी की रोटी लंच के टाइम आप 2 खा सकते हो, ज्वारी की रोटी, उससे आपका पेट बहुत ही जल्द भरेगा। तो आपके लिए मैं बेस्ट ऑप्शन बताना चाहता हूँ फैट लॉस, वेट लॉस और चेस्ट फैट के लिए, आप ज्वार की रोटी कंज्यूम करो। इस टाइम ज्वार की रोटी 2 भी खा सकते हो दोपहर के टाइम। उसके साथ लेना 60 ग्राम पनीर, नहीं तो 50 ग्राम सोया चंक्स लेना। एडिशनल भी बता दो, एक बाउल आप दाल ले लेना उसके साथ, हमारे जैसे मूंग दाल प्लेन दाल होती है, प्लेन दाल वैसे ले लेना। ये रहेगा आपका लंच। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और अभी बताऊँगा वर्कआउट के पहले क्या लेना है। तो वर्कआउट के पहले आपको लेना है एक सीजनेबल फ्रूट। आप जो सुबह फ्रूट खाते हो वैसे ही फ्रूट ले सकते हो, नहीं तो कोई आपको अलग फ्रूट चाहिए तो अलग फ्रूट ले लो। बेस्ट ऑप्शन बताऊँगा, आप पपीता ले लो, पपीता, पपीता के साथ आप ले लो एक ब्लैक कॉफ़ी। तो मैंने बताए हुए एक्सरसाइज करके आप एडिशनल थोड़ा वर्कआउट करो। कुछ भी वेट ट्रेनिंग हो सकती है घर पे। अगर आपके पास घर पे डंबल नहीं है तो आप ईट से करो ट्राई। जैसे कि ये देखो इस वीडियो में मेरे बाइसेप मारे गए, ऐसे आप ट्रेन कर सकते हो कुछ भी अपने पार्ट्स। और वर्कआउट के बाद मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही ज़रूरी मील है हमारी, वो बताऊँगा। तो वर्कआउट के बाद आपको लेना है थोड़ा 100 ग्राम राइस ले लो कार्बोहाइड्रेट के लिए, और 3 एग व्हाइट्स ले लो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो 3 एग व्हाइट्स के जगह आप रिप्लेस कर सकते हो 50 ग्राम सोया चंक्स, क्योंकि वर्कआउट के बाद हमारे को प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं डिनर के बारे में। डिनर हमारे को करना है बहुत ही लाइटली के लेना है। तो डिनर में आपको थोड़ा सा पहले सैलेड ले लो, उसके बाद ले लो एक जौर की रोटी, नहीं तो 100 ग्राम राइस ले लो फिर से अगर आप प्रोटीन नहीं खाई जाती तो। उसके साथ ले लो एक ग्रीन वेजिटेबल कौन से भी, थोड़ा सा ही विदाउट ऑयल का ले लो। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया आपका। अगर अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और ऐसे मैं आपको डाइट प्लान्स और वर्कआउट प्लान्स देता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो।